राजौरी पूंछ में बड़ी कार्यवाही की तैयारी। सेना प्रमुख बोले, पूरी मजबूती से चलाएं अभियान, आतंकियों का करें सफाया। पूंछ में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार को ग्राउंड जीरो पहुंचे और जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए पेशेवर तरीके से पूरी मजबूती से अभियान चलाएं। इस बीच राजौरी पूंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जनरल पांडे देहरा की गली भी पहुंचे। यहीं पर आतंकियों ने सैन्य कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने सूरनकोट व राजौरी के थाना मंडी का दौरा भी किया। थाना मंडी के जंगलों में 5 दिन से आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कायरतापूर्ण हमले में शामिल आतंकियों पर कार्यवाही को लेकर शीर्ष सैन्य अफसरों के साथ बैठक की। जनरल पांडे ने उन्हें पूरी मजबूती से अभियान चलाने का निर्देश दिया। उधर उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन समेत प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी राजौरी में कैंप कर रहे हैं। नागरिकों की मौत, जांच शुरू, अफसर हटाए गए। पूंछ में आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए उठाए गए 3 नागरिकों की मौत पर सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। आरोप है कि हिरासत में यातना के कारण उनकी मौत हुई है। सेना ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एक ब्रिगेडियर का तबादला कर दिया है। 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। जनरल पांडे ने जाँच पारदर्शी तरीके से करने को कहा है। तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा रही निलंबित। एहतियात के तौर पर पूंछ व राजौरी जिलों में सोमवार को तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं, ताकि अफवाहों की वजह से कोई अप्रिय वारदात न हो सके। 3 नागरिकों की मौत के बाद आक्रोश बढ़ने को देखते हुए शनिवार तड़के ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। हालिया आतंकी हमलों की भी जानकारी ली। सेना प्रमुख ने राजौरी स्थित 25 इन्फेंट्री डिवीजन मुख्यालय में सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा हालात पर व्यापक चर्चा की। कमांडरों ने उन्हें समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी, साथ ही हालिया आतंकी हमलों और उसके बाद चलाए गए अभियान के बारे में भी बताया।